स्वागत है आपका आप आई एस के डेली हिंदी ऑडियो एनालिसिस में। फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी, मतलब कि अपना ये जो पहला चीन और भारत के बीच अभी जो हाल ही में मामल्लपुरम में दूसरी अनौपचारिक वार्ता हुई थी, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। और तो साथ ही साथ जो है तो ये IR का, ये हम चीन और भारत के जो संबंध हैं तो इनमें से क्या कुछ प्रगति हुई है ना, और इनका जो बैकग्राउंड रहा है तो उससे संबंधित ये हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का ये कह सकते हैं इसको कि हम टॉपिक ही पूरा कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने कुछ इसमें परिवर्तन भी करने का प्रयास किया अपने इस एडिटोरियल में, तो आप लोगों थोड़ा सा इसमें अपना फीडबैक दे दीजिएगा और बताइए क्या ये मतलब कि ज़्यादा बेटर आप लोगों को कैसा ये मतलब कि प्रयास अच्छा रहा है ना। तो इससे संबंधित आप कुछ मतलब कि इसके बारे में और फीडबैक दे सकते हैं है ना। तो हम ये जो है तो इसी आर्टिकल के बारे में हम साथ ही साथ डीपली दोनों चीज़ों पे एनालाइज भी करने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। जैसे यहाँ पास बात करते हैं कि श्री जिनपिंग कभी जैसे मामल्लपुरम में भारत में दूसरी अनौपचारिक वार्ता हुई थी, तो उससे ठीक पहले हम बात करें कि चीन और भारत के जो संबंध है वो तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो चीन की पाकिस्तान के प्रति जो एक लगाव सा है ना, तो उसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जैसे जिनपिंग की भारत यात्रा के एक दिन जस्ट पहले ही पाकिस्तान का चीन पे दौरा जो हुआ था है ना, तो इससे भी इसमें हम कुछ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीन और पाकिस्तान के जो गठजोड़ है तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा सशक्त है। और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि चीन की जो रणनीति है तो भारत को हरदम काउंटर करने की ही प्रति ज़्यादा रहती है ना। इसको हम इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि जैसे भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है ना, तो यदि भारत के हम सामरिक रणनीतिक दृष्टि से देखें तो ये भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, और साथ ही साथ ये बफर जोन का भी काम करता है। तो यहाँ पास जो है तो ये यहाँ पास जैसे कि वहाँ पास नेपाल में जाकर के दूसरे दिन जो है तो ये शी जिनपिंग वहाँ पास लगभग 56 अरब रुपये की लगभग वहाँ पास जो है तो बहुत ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जो है तो उन्होंने घोषणा की है ना। तो जैसे यदि हम बात करें तो वैश्विक इस संदर्भ में बात किया जाए तो उन्हें जो वैसे चुनौतियों से निपटने के, जैसे कि वो उन दोनों देशों में भारत और चीन में जो है तो आपसी संपर्क बढ़ाने पर तो चर्चा यहाँ पर दोनों में अनौपचारिक वार्ता के समय तो हुई है ना, लेकिन ये देखें कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत के लिए एक नई व्यवस्था बनाने, साथ ही साथ जो है तो रक्षा सहयोग की भी मतलब कि दोनों ने इस दिशा में मतलब प्रयास इसमें हुए हैं इस वार्ता में। लेकिन भारत चीन संबंधों में एक खतरा हमेशा से बना ये रहता है कि यहाँ पास जो है तो कुछ समस्याएं ये होती है कि प्रक्रियाएं ही जो होती हैं उसके परिणाम से पहले ही ज़्यादा उस पर हावी हो जाती हैं है ना। तो इस पर हम देखते हैं जैसे वुहान बैठक जो कि पहली बैठक जो होती 18 में चीन में हुई थी, तो उसमें जो है तो जैसे कि कुछ जैसे इन दोनों देशों के जो संबंध है उसमें थोड़ी सी मधुरता देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये बैठक हुई थी तो ठीक डोकलाम विवाद उस समय चल ही रहा था। लगभग लगभग 73 दिन तक दोनों देशों की सीमाएं में दोनों सेने मतलब कि एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा गतिरोध देखने को मिला था। तो इस वुहान बैठक के बाद जो है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नरमी देखने को मिली थी है ना। तो इससे तो ये देखा जा सकता है कि अनौपचारिक वार्ता की हम प्रासंगिकता के संदर्भ में बात करें तो दोनों में हालांकि संबंधों में तो कुछ परिपक्वता देखने को मिली है दोनों देशों में। साथ ही साथ यहाँ पास जैसे कि देखा जाए तो इन दोनों मतलब कि सीमा पर स्थायित्व कायम रखने में भी मतलब कि कुछ इसको संकेत के तौर पे देखा जा सकता है। साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि यदि हम अनुच्छेद 370 की बात करके, जैसे कि यहाँ पास अनुच्छेद 370 के संदर्भ में जो है तो पाकिस्तान को चीन का जो समर्थन है तो वो भी एक प्रकार से जो है तो एक समानांतर चल ही रहा है कि चीन एक तरफ जहां भारत के साथ संबंध इस मतलब कि मधुर बनाने की बातें तो कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान जो कि भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो भारत के जो हित भारत के संप्रभुता संबंधित जो है तो उन पर चीन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ना, उसको ज़्यादा वरीयता नहीं देता है, तवज्जो नहीं देता है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो दूसरी अनौपचारिक बैठक जो के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर जैसे कि इन दोनों देशों के जो मतभेद हैं तो उनके सुलझाने के जो परिपक्वतापूर्ण और शांतिपूर्ण जो वार्ता के साथ ही जो है तो एक दूसरे की जो संवेदना और चिंता है तो उन जो उनकी उम्मीदों को एक प्रकार से सम्मान देने पर तो सहमति व्यक्त हुई थी है ना, एकदम वुहान के संदर्भ में भी बात करें तो। लेकिन साफ ये भी दिख रहा है कि इस भावना का जो चीन है जैसे कि भारत की जो हित हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान चीन नहीं दे रहा है, उसके हितों को ज़्यादा सम्मान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता है। तो हम अब थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम बात करते हैं कि वुहान के संदर्भ में तो जो पहली अनौपचारिक वार्ता हुई थी तो ये चीन का ये वुहान जो क्षेत्र है तो ये चीन का काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संपन्न क्षेत्र था है ना। तो यहाँ पर जो तो पहली बैठक हुई थी
अपने प्रधानमंत्री गए थे, और उसके बाद ही जो है तो यहाँ पर डोकलाम विवाद जो है तो कुछ इसमें मतलब कि सुधार देखने को, दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी जो तनाव हुए थे तो उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा सुधार मतलब सुधार हुआ था। साथ ही साथ इसके कुछ और आउटपुट के बारे में देखा जा सकता है, जैसे जो भारत के जो चावल संबंधित जो है तो चीन ने अपने मार्केट इसके लिए भी मतलब कुछ हद तक खोले थे, है ना। तो साथ ही साथ एक और एकदम इसके सुधार के बारे में देखा जाए तो इसमें जो है तो डोकलाम के साथ ही साथ जो है तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो विवाद जो है तो ज़्यादातर क्या है कि वहाँ पास चीन जो है तो काफ़ी ज़्यादा अपना वहाँ पास डैम वगैरह तो बना ही रहा है, लेकिन जो है तो चीन जो है डाटा देने के लिए यहाँ पास भारत, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र जो था तो इस नदी के उसकी दिशा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फिर संवेदनशील हो जाता है, तो उसमें भारत को कोई ज़्यादा मतलब कि इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होने के कारण जो है तो यहाँ पास एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलती थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पास जो तो चीन अब डाटा देने के लिए भी मतलब कि तैयार हो गया, तो ये भी एक प्रकार से इसको सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। अब वहीं अब दूसरी बैठक की बात की जाए तो ये मामल्लपुरम में बैठक हुई थी, है ना, तमिलनाडु के। तो यहाँ पर जो है तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये मामल्लपुरम जो है तो ये भारत का मामल्लपुरम लोकेशन, तो ये मामल्लपुरम की भी ऐतिहासिक दृष्टि से बात की जाए तो इसके बहुत प्राचीन मतलब कि प्राचीन संबंध भी रहा है ना। यहाँ पर जैसे ये पल्लवों की राजधानी भी रही है, तो जो पहले जो है तो इसके हम इस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि इसमें इसको और ज़्यादा महत्ता इस हिसाब से दी जाती है कि जैसे कि जो पहले जो तिब्बत जो है तो चीन और तिब्बत जो है तो अलग थे, है ना। तो तिब्बत काफ़ी ज़्यादा संपन्न था, शक्ति संपन्न था, तो चीन जो है तो चीन ने तिब्बत से लड़ने के लिए जो है तो मामल्लपुर में यहाँ पास पल्लवों से मदद मांगी थी, है ना। तो इस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि इसकी ज़्यादा मतलब कि महत्ता और भी ज़्यादा है ना। साथ ही साथ व्यापारिक संबंध के बारे में भी देखा जाए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ भारत और चीन के जो व्यापारिक संबंध की बात की जाए तो लगभग 1700 साल वर्ष पुराने इनके संबंध भी रहे हैं, है ना। वहीं यदि हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पास जो है तो मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन भी जिन्हें सेलाडोन के नाम से जाना जाता है, तो मिट्टी के बर्तन के अवशेष भी मिले हैं, तो इससे भी जो है तो इनके संबंधों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो है तो रोम और यहाँ पास चीनी सिक्के भी कुछ यहाँ पास मतलब मिले हैं, तो इससे जो है तो इनके प्राचीन संबंधों को भी देखा जा सकता है किस प्रकार से भारत और चीन के जो है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा प्राचीन संबंध रहे हैं, है ना। तो यदि हम इनकी कुछ बैकग्राउंड के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करें तो जैसे कि देखते हैं कि भारत जो है तो एक प्रकार से मामल्लपुरम के संदर्भ में बात करें तो भारत ने मामल्लपुरम को जो है तो भारत के एक प्रकार से सॉफ्ट पावर के प्रतीक के रूप में चुना था, है ना। इन्हीं ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो वहीं जैसे मामल्लपुरम जो है तो ये पूर्ववर्ती जैसे पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लगभग 275 एडी से 857 एडी यानी ईस्वी तक ये इन्होंने शासन किया था, है ना। तो इस दृष्टिकोण से इनका एक प्रकार से मामल्लपुरम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर था तब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो वही जो है तो ये वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है, है ना। उल्लेखनीय है कि जहाँ महाबलीपुरम जो है तो ये पुरातन काल में काफ़ी प्रसिद्ध बंदरगाह भी था जो कि सिल्क रूट का हिस्सा होने के कारण भारत का यह क्षेत्र जो है तो महाबलीपुरम जो चीन और कई अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार करता था। अभी हम इन दोनों के जो राजनीतिक संबंध के दृष्टिकोण से बात की जाए तो राजनीतिक संबंध में जैसे 1 अप्रैल 1950 को चीन के साथ जैसे अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे भारत ने, है ना। तो इसी के साथ जो है तो भी जैसे कि इन दोनों के देश जो है तो इनके संबंधों के भी लगभग लगभग 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो अगले वर्ष जो तो दूसरी अनौपचारिक बैठक ये भी संपन्न हुई, तो इसमें से ये भी निर्णय हुआ है कि जो मतलब कि आगे मतलब अगले वर्ष जो है तो ये दो देश काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे, 70 वर्ष मनाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम भी होने वाले हैं। तो ये तो हो गई हम साथ ही साथ बात करते हैं राजनीतिक संबंधों में और क्या कुछ जैसे इनके बैकग्राउंड में देखा जाए तो जैसे कि ये देश जैसे कि 1962 में भारत चीन के मध्य जो सीमा संघर्ष हुआ था, है ना। तो उससे मतलब कि जहाँ उसके पहले कुछ सुधार मतलब कि इनके संबंधों में देखा गया था नेहरू के समय में, है ना, जैसे कि पंचशील समझौता भी 1954 में हुआ था, यानी कि दोनों देशों की मतलब कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और हितों और सहअस्तित्व जैसी भावनाओं के बारे में मतलब कि समझौता हुआ, लेकिन 1962 के युद्ध में थोड़ा सा उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गतिरोध देखने को मिला और उसके बाद संबंध एक प्रकार से बहुत ज़्यादा वैसे हो गए थे, है ना, खटास आ गई थी संबंधों में। लेकिन 1988 में फिर राजीव गांधी की जो यात्रा के बाद फिर दोनों देशों में फिर से संबंधों को मतलब कुछ दोनों देशों के प्रकार फिर से कुछ नज़दीकी देखने को मिली थी, है ना।
अब यदि बात करें वर्तमान संदर्भ में, तो इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके मध्य भी जैसे समय समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ साथ भी अनौपचारिक सम्मेलन होते रहते हैं। तो इसे देखने को मिलता है कि इनके जो मतलब कि दोनों अपने दोनों देश जो हैं तो अपने दीर्घकालिक हितों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सशक्त देखे जा सकते हैं। वहीं हम राजनीतिक के साथ साथ यदि हम वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों के बारे में देखें, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगभग 100 अरब डॉलर का जो व्यापार होता है उसमें से जो है, तो हालांकि अभी जो चीन की बात की जाए तो चीन जो है तो सरप्लस में है ना, यानी कि चीन का जो है तो लगभग लगभग भारत के साथ 54 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है ना। तो इस दृष्टिकोण से इन दोनों मतलब कि इन दोनों में सुधार की ज़रूरत है। तो इस भी भारत ने अपनी हालांकि आशंका भी व्यक्त की है, तो उसमें मतलब चीन ने आश्वासन तो दिया भी है इस उस पे कि कुछ मतलब कि इन गतिरोधों को दूर किया जाएगा और संबंधित मतलब कि इस पे प्रयास करने की बातें तो की है। तो यदि हम इनमें बात करें वाणिज्यिक और आर्थिक अन्य संबंधों में, जैसे भारत और चीन ने लगभग 1984 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे है ना, इसके तहत दोनों जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही 1994 की बात करें, दोनों देशों ने लगभग दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसमें भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में भी कुछ वर्षों में एक बार से तेजी देखने को मिली है ना। वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देश लगभग 3 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जो कि 2017 में बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था ये व्यापार। वहीं भारत और चीन के मध्य जो सांस्कृतिक संबंध की बात की जाए, तो सांस्कृतिक संबंध भी इन दोनों देशों के काफ़ी ज़्यादा प्राचीन रहे हैं है ना। इन जैसे कि बात करें कि कुछ ऐसे भी साक्ष्य मौजूद हैं जो कि भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता और चीन की जो सांगझो सभ्यता है उसके मध्य लगभग 1500 से 1000 ईस्वी के आस इसी पूर्व के आसपास जो वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान को दर्शाता है। साथ ही जैसे पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थ यात्री और विद्वानों ने भी ऐतिहासिक ये जो सिल्क रूट है उसके माध्यम से चीन की यात्रा की थी है ना। तो इसी तरह जो है तो कई चीनी यात्री भी भारत यात्रा पर आए थे, जैसे कि बात करें हम इत्सिंग की बात करें, फायान की बात करें, वेनसांग की बात करें है ना, ये वेनसांग तो ये मामल्लपुरम भी गए थे ये है ना, उन्होंने यात्रा की थी। तो आदि ये भी है जो भारत की यात्रा पर आए थे, तो इससे जो है तो इनके सांस्कृतिक संबंधों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो शैक्षणिक आदान प्रदान है, तो भी 2003 में जो पैकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की बातें हुई है ना। साथ ही जो है तो यदि हम देखें कि जो चीन में योग का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, चीन में योग बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रहा है, वहाँ पास कई सारे इंस्टीट्यूट भी योग से खुल गए, योग के खुल गए। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि चीन और भारत के जो सांस्कृतिक संबंध है तो किस ऊंचाई पर जा रहे हैं है ना। लेकिन जैसे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में चीन ने भारत को एक प्रकार सपोर्ट भी किया था इसको, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वहीं हम दूसरी बात यदि करें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो जो भारतीय फिल्में बॉलीवुड फिल्में होते हैं, तो बॉलीवुड फिल्मों का ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ है चीन में है ना। बहुत ज़्यादा ये जैसे दंगल वगैरह जो मूवी आई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर देखी जाती हैं। मतलब कि भारत की जो यदि हम बात करें कि भारत की जो बॉलीवुड है और चीन की जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो इन दोनों देशों के यदि आपस में मिलकर के काफ़ी कुछ मतलब कि इनमें देख आशाएँ व्यक्त की जा सकती हैं है ना, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात की जाए। अब यदि हम बात करते हैं कुछ इन दोनों देशों के बीच जो तनाव की मतलब कि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो कि इन दोनों देशों के तनाव को भी मतलब कि ऊपर बढ़ाते हैं, तो उनमें से कुछ देख सकते हैं। जैसे कि तिब्बत और दलाई लामा से संबंधित है ना। तिब्बत में जैसे कि बात करें कि जब तिब्बत को उसने 1950 के आसपास जो चीन ने अपना कब्जा वहाँ पास किया था, तो जैसे कि दलाई लामा ने भारत में शरण लिया था, भारत ने उसको मतलब कि इससे जो है तो इन दोनों देशों के बीच थोड़ी सी खटा कड़वाहट देखने को मिली थी है ना। और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि वहीं जो अपने इस पे अरुणाचल प्रदेश को भी, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जो चीन का यदि वहाँ पर अपना दावा व्यक्त करना कि ये दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है ना, तवांग क्षेत्र पर अपनी दावा व्यक्त करना, इससे जो है तो सीमा विवाद को भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है अपना अक्साई चीन है ना, तो ये भी मतलब कि जो है तो इनके सीमा विवाद जो है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इनके तनाव के कारण के रूप में इनको देखा जा सकता है। साथ ही साथ जैसे कि 2015 में भी प्रधानमंत्री जी ने चीन का दौरा किया, तब उनका जो एक मुख्य उद्देश्य ही था कि जो चीन के साथ शीर्ष नेतृत्व को एक प्रकार से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC है उसके स्पष्टीकरण पर इसके लिए कुछ प्रयास किए जाएँ, लेकिन वो ज़्यादा हालांकि मतलब कि उसमें ज़्यादा कारगर साबित नहीं तो नहीं हुआ था, लेकिन ये इन दिशा में भी मतलब प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अन्य मुद्दों की बात करें जो कि इनमें चिंता की बात है, जैसे जल विवाद से संबंधित है ना, तो जल विवाद वही कि ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित जो है कि दोनों मतलब कि दोनों
प्रदेशों के बीच जो बहती है नदी, तो इसमें भी जो है तो कुछ कभी कभी मतलब कि इनमें भी गतिरोध देखने को मिलते हैं, है ना। वहीं हम बात करें दक्षिण चीन सागर का मुद्दा, तो दक्षिण चीन सागर का मुद्दा भी आज तो ये तो लगभग लगभग ज़्यादातर जो है तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश के साथ भी इस मामले में चीन का काफ़ी ज़्यादा गतिरोध देखने को मिलता है ना। जहाँ पर दक्षिण चीन सागर की बात करें 90% हिस्से पर चीन जो है तो अपना अधिकार मानता है ना। वहीं यदि ये एक ऐसा यदि हम इसकी बात करें तो इसकी महत्ता के बारे में दक्षिण चीन सागर की, ये ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस जो है तो बहु उसका प्रचुर भंडार भी है। साथ ही साथ चीन ताइवान वियतनाम और स्प्राइटल द्वीप समूह पर भी ये चीन अपना दावेदारी वहाँ पास व्यक्त करता रहता है ना। तो यदि हम बात करें कि जो स्प्राइटल द्वीप है तो ये जो है दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना। साथ ही साथ यदि देखें कि भारत वियतनाम के अनुरोध पर जहाँ दक्षिण चीन सागर में जो तेल का अन्वेषण ही भारत कंपनी कर रही है, तो इससे भी चीन और भारत में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गतिरोध देखने को मिला है। चीन ने इस भारत की इस उस पर मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया था चीन ने। तो वही हम और दूसरे अन्य मुद्दों पर बात करें तो जैसे व्यापार घाटा भी इन दोनों देशों के बीच एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है ना। इसका हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जहां 2000 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापारिक सिर्फ $3 बिलियन था, वहीं 2008 में यह बढ़कर के लगभग $51.8 बिलियन पहुंच गया था, है ना। तो इस प्रकार यदि हम चीन और चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे बड़ा साझेदार तो चीन बना था। वहीं विदेश मंत्रालय जैसे कि बात करें आंकड़ों में तो 2018 में दोनों देशों का जो कुल व्यापार था $95.54 बिलियन था, परंतु इसमें जो भारत द्वारा कुल निर्यात मात्र $18 बिलियन था, वहीं चीन ने भारत से जितना सामान खरीदा उससे 5 गुना तो उसने सामान बेचा था। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग $97 बिलियन का है। तो इस ये भी मतलब कि भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तनाव या चिंता का विषय ही है भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए तो, है ना। वहीं हम धारा 370 की बात करें तो 370 में जैसे कि देखा जा सकता है कि जो चीन का स्टैंड है भारत के मतलब कि अगेंस्ट में, है ना, वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। तो ये जो तो भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सोवरेंटी के अगेंस्ट ही बातें हो रही है ना, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो होती है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों एक प्रकार से दोनों के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा गतिरोधता इससे हो जाती है। वही यदि हम बात करें कि चीन का जैसे हांगकांग संकट और भारत है, तो यदि इस प्रकार से भारत की जो संप्रभुता है भारत की जो इंटीग्रिटी है उसका यदि चीन ध्यान नहीं देता है तो भारत भी इसी दिशा पे कुछ स्टैंड भारत भी तो ले सकता है। जैसे चीन के भी तो कुछ सेंसिटिव क्षेत्र हैं, यदि हम बात करें कि जैसे चीन जो चीन का हांगकांग है ना, ताइवान है, मकाऊ है, यहाँ पर चीन अपनी तो पूरी एक प्रकार से जो वन नेशन पॉलिसी की बात करता है, तो ये तो चीन के सेंसिटिव क्षेत्र, वहीं जहाँ सिंजियांग प्रांत में भी जैसे कि ये उइगर मुस्लिमों की बात है, तो इन क्षेत्रों पे जो भारत उसकी हालांकि जैसे कि भारत ने उसके सेंसिटिव मामलों पे ज़्यादा वो नहीं किया, तो इस पर देखा जाए तो भारत भी ऐसे कदम क्यों नहीं उठा सकता, बिल्कुल उठा सकता है ना। यदि चीन की इसी प्रकार की नीति भारत के अगेंस्ट में रही तो निश्चित तौर पर भारत भी इस दिशा पर है ना कुछ मतलब कदम उठा सकता है। वही हम बात करें कि OBR की जैसे वन बेल्ट वन रोड की बात करें, तो इसके संदर्भ में जैसे कि ये भी भारत की जो संप्रभुता के अगेंस्ट ही है क्योंकि ये POK से गुजरता है, तो इस मामले में जैसे कि ये हालांकि चीन की बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर इसको देखा जा सकता है ना, वन बेल्ट वन रोड को, जिसका लक्ष्य जो है तो चीन को सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से पूरा यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ने का है ना। काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी ये परियोजना है, लेकिन भारत जो है तो इस पहल में शामिल नहीं हुआ है। तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो चीन की जो ये प्रोजेक्ट है तो भारत की जो POK से गुजरता है ना। तो जैसे कि बात कर ले, जैसे चूँकि CPEC गलियारा जो है तो पाकिस्तान कश्मीर से होकर गुजर रहा है और CPEC भी उसी का एक प्रकार से पार्टी है, तो भारत जिसे मतलब कि यदि बात करें OBR में जो शामिल होने के मतलब ऐसे ही होगा कि एक प्रकार से समर्थन दे दिया भारत यदि उसमें शामिल हो जाता है, और POK तो भारत का ही एक प्रकार से अभिन्न हिस्सा ही भारत उसको मानता है, तो इसीलिए भारत का इसमें शामिल ना होने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि OBR जो है तो वास्तव में चीन द्वारा जो परियोजना या प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का एक माध्यम है ना, जिसके जरिए अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रकार से प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक और विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना उसके विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकाल में भारत के हित में नहीं होगा निश्चित तौर पर इस पर देखा जाता। तो यहाँ पर जो हर्षवी पंत जी का व्यू है, तो जैसे हम चीन के भारत और चीन के जो रिश्ते हैं और उनके बैकग्राउंड के बारे में तो हम आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अन्य दृष्टिकोण से
बात की है तो उसी पे इन्होंने स्टैंड भी दिया कि जैसे कि अनौपचारिक वार्ताएं तो चल रही हैं इन दोनों देशों के बीच, जैसे कि वुहान स्प्रेड भी हुई थी है ना, उसके बाद ये चेन्नई कनेक्ट हुई, इसको चेन्नई कनेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि दूसरी मामल्लपुरे में बैठक हुई थी अनौपचारिक वार्ता। तो इन दोनों देशों में ये जो अनौपचारिक वार्ताएँ हो रही हैं ये कुछ हद तक तो दोनों देशों के जो मतभेद हैं उनको मिटाने में काम करेगी, लेकिन ज़्यादा कारगर नहीं होगी। यदि हम इनको राष्ट्रीय हितों की बात की जाए है ना, सामरिक रणनीतिक दृष्टि से बात की जाए, तो ये ज़्यादा मतलब कि सफल नहीं होती दिख रही हैं। तो यदि भारत के लिए जो चीन की चुनौती हर दिन एक प्रकार से बढ़ ही रही है, तो देश के निर्यात निर्धारकों ने भी हालांकि इसी दृष्टिकोण से बात की जाए तो जो इसको चीन को एक प्रकार से जवाब देने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकल्प भी तलाश कर लिए है। जैसे कि भारत ने लद्दाख पर जो अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए वहाँ पर चीन से उसने कहा भी है कि जो सीमा पर भारत चीन वार्ता है तो नए दौर पर जारी मतलब कि जा रही है। वहीं इस मामले में जो है तो विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर का स्पष्टीकरण भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा रहा है कि उन्होंने जो भारत के ताज़ा कदम से जो भारत की बाहरी सीमा व चीन के साथ जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसमें कोई अंतर नहीं है, उन्होंने इस प्रकार के अपने स्टैंड भी लिए। साथ ही साथ जैसे कि यदि बात करें कि सीपेक में अपने हित होने की वजह से तो वो कश्मीर पर चीन जो है तो पाकिस्तान का समर्थन तो देगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसके भी मतलब उसका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ही वहाँ पास पाकिस्तान को उसमें है। तो यदि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में यदि चीन जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका हित काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, तो चीन तो इस प्रकार का रिस्क ले नहीं सकता है। तो इसलिए वो या तो मजबूरी में भी इस मामले में मतलब उसको वो सपोर्ट कर ही रहा है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि सीपेक के लिए जो पाकिस्तान में एक स्थायी मिलिट्री बेस भी बनाना उसका एक उद्देश्य ही है ना चीन का। वहीं भारत की जो कूटनीतिक कोशिश की वजह से यदि हम बात करें तो जैसे चीन ने अपनी तरफ से तो मतलब भारत की जो संप्रभुता उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, इसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि उसने जो कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी जो है तो उठाने का प्रयास किया था, हालांकि ये मामला भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी है ना। वही हम मसूद अजहर के मामले से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंटिन्यू चीन वीटो कर रहा था है ना, जो कि भारत जो है तो एक प्रकार से उसे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आतंकवादी घोषित करना चाह रहा था, लेकिन जो चीन उसका हर एक प्रकार से हर बार बचाव करता था। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीन जो है तो भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो राष्ट्रीय हित है, तो उसको किस प्रकार से नज़रअंदाज करता है, इससे हम देख सकते हैं है ना। तो इसीलिए जो है तो जैसे जैसे भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ज़्यादा अपने अधिक सक्रिय भूमिका में आ रहा है, तो चीन भी भारत को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो और ये जो उसकी रणनीति एक प्रकार से कंटिन्यू बनी ही रहने वाली है, तो इस संदर्भ में जो भारत की घरेलू क्षमता है उसको और ज़्यादा मजबूत करने, साथ ही साथ जो समान विचारधारा वाले देश हैं उनके साथ अपना एक प्रकार से मजबूत गठजोड़ बना करके अपने हितों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, ये भारत का एक प्रकार से स्टैंड हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड के तौर पर देखा जा सकता है कि आगे भारत को किस प्रकार के स्टैंड लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो वुहान स्प्रिट या चेन्नई कनेक्ट है, इसमें जो कुछ ये तो ज़्यादा मतलब कारगर सफल मतलब नहीं होते दिख रहे हैं ये राइटर के अकॉर्डिंग। और वहीं भारत जो है तो उसको अब दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जो है ठोस और सकारात्मक परिणाम की मांग करने के लिए चीन को अपने पूरे मतलब व्यू बताने की ज़रूरत है ना, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सकें, तो जो जिससे कि जो दोनों देश हैं तो एक दूसरे के उस पर मतलब कि हितों को ध्यान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीरता दोनों में आ सके है ना। तो बस इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने, धन्यवाद।